गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज की इस खास शख्सियत मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। कहते हैं कि मंजिल को पाने के लिए सीढ़ियां होती हैं और उन सीढ़ियों के बलबूते पर अगर कोई पीछे से अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो है आपकी पढ़ाई। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो कि परिचय की मोहताज नहीं है, उनका नाम और उनका काम यही उनकी सब कुछ जुबानी है। संजय बियानी, बियानी ग्रुप्स ऑफ कॉलेज जयपुर। शख्सियत शिक्षा के क्षेत्र में, शख्सियत एडवोकेट, शख्सियत एक मनोवैज्ञानिक, जिसको कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर छात्रों के जीवन को बदलना, लेकिन अब राजनीति के दंगल में भी कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, संजय बियानी, बियानी ग्रुप्स ऑफ कॉलेज जयपुर। जी सर, नाम नहीं है, ब्रांड है सर, काम ही नाम है। थैंक यू। क्या सोचते हैं सर आप, कैसे सीढ़ियां पहुंचाई आपने? देखिए, जीवन में कोई भी काम करिए, अगर आपको कुछ नया काम करना है, नौकरी नहीं करनी और अपना कुछ सेटअप करना है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और मैंने ये संघर्ष किया। मुझे ध्यान है, जब मैं आज से 18 साल पहले विद्याधर नगर में पहली बार गया तो मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला, क्योंकि जिस जगह मैंने कॉलेज बनाने का सपना देखा वहाँ पूरे विद्याधर नगर का कचरा गिरा जाता था। ऐसी जगह जहाँ पर कोई लोग संघर्ष, जहाँ पर आपको संघर्ष मिलता है, जहाँ पर आपको सहयोग नहीं मिलता, जहाँ पर आपको विषम परिस्थिति मिलती है, मुझे लगता है वहीं संभावनाएं भी हुआ करती है। और मुझे वो संभावनाएं, मैंने उसे तराशी और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने एक हर साल एक एक कॉलेज फ्लॉट किए। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सका। आज जयपुर में 7 विमेन एम्पावरमेंट के लिए कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए, 7 कोएड कॉलेज भी एस्टेब्लिश किए। तो ये बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जो 14 शानदार कॉलेजेस का एक ग्रुप बन गया है, तो मुझे लगता है कि ईश्वर जब मेहरबान होता है तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा के जगत में आपसे काम करवाता है, वो महिला सशक्तिकरण के लिए आपसे काम कराता है। तो निश्चित रूप से यात्रा तो संघर्ष में ही रही है, लेकिन मैंने बहुत सीखा और जो मैंने सीखा वही मेरी दौलत है। क्योंकि जो आप संघर्ष करते करते जो सीख जाते हैं, असल में आपकी दौलत वही हुआ करती है। लोग मुझे बोलते हैं कि दौलतमंद, पर मुझे नहीं लगता मैं दौलतमंद उस सेंस में हूँ। मुझे लगता है मैं दौलतमंद अनुभव के क्षेत्र में हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, मोटिवेशन और यूथ को एम्पावर करने के वे में हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सर, मोटिवेशन की आपने बात कही है, मोटिवेशन से आपने कई छात्राओं के जीवन को और उनसे प्रेरित होकर के कई लोगों ने आपको फॉलो किया है। जी सर, आप किसको फॉलो करते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई जो डॉक्टर राजीव बियानी है, और हम लोगों ने हमारी यात्रा लगभग 30 साल पहले साथ साथ स्टार्ट की थी। तो मुझे लगता है कि मैं लक्ष्मण हूँ और मेरे बड़े भाई जो है वो राम है, और वो मुझे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देते हैं और मैं उन्हें ही अपना गुरु भी मानता हूँ और उनको अपना आदर्श भी मानता हूँ और उनके सेवक के रूप में काम करता हूँ। सर, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, जी शिक्षा तो चलो सही सेकंड पायदान है, सबसे पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, जी एडवोकेट, जी फिर शिक्षा, जी जी अब राजनीति के दंगल में क्या नजरिया है सर, क्या देखते हैं, क्यों आपने राजनीतिक सेक्टर को आप क्यों चुनना चाह रहे हैं, क्या बदलाव देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं कुछ बनना कुछ चाहता था, मेरे पिताजी कुछ चाहते थे, क्योंकि वो खुद अकाउंटेंट रहे थे तो उन्हें लगता था जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट है किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना। मेरा तो उसमें रुचि नहीं थी, पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वो बनाया। जो मैं नहीं बनना चाहता था वो उन्होंने मुझसे बनाया, और उस समय तो कोई गिन के 5-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पूरे राजस्थान में होते थे क्वालिफाई। और ऐसे संघर्ष में यात्रा मेरी रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा मैं वास्तव में अकाउंट्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए नहीं बनाऊँ, मैं बेसिकली साइकोलॉजी और फिलोसॉफी के लिए बनाऊँ।
मुझे लोगों से मिलना, लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है। मैंने धीरे धीरे अपने आप को पहचाना और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद मैंने अपने आप को एक शिक्षक के रूप में तराशा और मुझे उसमें मज़ा भी आया और लोगों ने भी मेरे इस काम को पसंद किया। और अब ये करते करते मुझे लग रहा है कि मैं अब शिक्षा के क्षेत्र में, जब मैंने 30 साल यानी 10 साल मैंने कोचिंग में बच्चों को 12-12 घंटे पढ़ाकर और पिछले 17 साल में जो डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करके जो सीखा है, अब उससे मैं व्यवस्था परिवर्तन का कारण बनूं। और इसी कारण मैंने राजनीति में आना मुनासिब समझा, क्योंकि आज जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो सरकार का जो भ्रष्टाचार है, जो सरकार में जो जो करप्शन है, जो तानाशाही है, जो शिक्षा को लेके टीचर्स की जो स्थिति है वो बहुत विकट है। आज हर टीचर को अपनी स्थानांतरण कराने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बताओ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। उसे राशन कार्ड बनाने के लिए जाना पड़ता है। आज किसी कॉलेज को अगर एक प्राइवेट आदमी खोलता है तो उसको NOC देने के लिए सरकार के पास पैसे देने जाना पड़ता है। मुझे लगता है हम सरकार का काम कर रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में अपनी खुद बिल्डिंगें बनाते हैं, उस पैसे का ब्याज देते हैं, बैंकों को ब्याज देते हैं, बच्चों को और पेरेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसके बावजूद भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मुझे लगा कि अब सबसे अच्छा मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ तो वो शिक्षा की व्यवस्था को बदलने का काम कर सकता हूँ। इसलिए मेरे को अगर पब्लिक सेवा का अवसर देती है तो मैं निश्चित रूप से ये करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत काम करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पूरी समझ शिक्षा को लेके है। और जितने भी बच्चे हैं, मैं उनके पेरेंट्स को आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चे को समझ सकता हूँ और बहुत मदद कर सकता हूँ। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हर यूथ को एम्पावर कर सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ, उनकी काउंसलिंग कर सकता हूँ, व्यवस्था परिवर्तन का काम कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। संजय जी, ना कांग्रेस ना BJP, सीधी आम आदमी पार्टी, क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको? अच्छा सवाल पूछे, क्योंकि देखिए एक पार्टी जो 60 साल से चली आ रही है, 70 साल से चली आ रही है, बूढ़ी हो गई है साहब, बूढ़े बूढ़े लोग वहां इकट्ठे हो गए, कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसी को आने नहीं देना चाहता। बिल्डिंग ही बूढ़ी नहीं होती, आदमी बूढ़ा नहीं होता, पार्टियां भी बूढ़ी हो जाती है। मुझे लगता है मुझे जवान और यंग आदमी चाहिए जो नई सोच रखते हो। एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो जहां मैं जाकर कुछ परिवर्तन ला सकूं, कुछ काम कर सकूं। मुझे MLA बनने का शौक नहीं है, मेरे को व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहां पर आना है। और इसलिए मुझे लगा कि मेरे को व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक ऐसी पार्टी के पास जाना चाहिए जिसकी स्वतंत्र विचारधारा हो, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस आम आदमी पार्टी से मैंने जुड़ना मुनासिब समझा वो इस समय संघर्ष के स्तर से गुजर रही है। दिल्ली में लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, 3 बार दिल्ली में सरकार बना दी और आज स्कूलों की स्थिति दिल्ली में पहली बार सुधरी है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्कूल व्यवस्था है उसमें से आज भी पूछा जाए सबसे अच्छी स्कूल व्यवस्था कहाँ है तो दिल्ली में स्कूलों का स्तर बढ़ा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। तो मुझे लगा कि मेरे को ऐसी पार्टी के साथ में जो यंग है, डायनामिज्म है, जिसके अंदर जहाँ पे मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, मुझे उस पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए। हम जीतेंगे हारेंगे ये तो पब्लिक के हाथ में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे को अगर अवसर मिला सेवा का तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर सकता हूँ।